अजमसिंह हायर के 23 लीटर माइक्रोवेव, इसका की मॉडल नंबर है HIL2301CBSB कन्वेक्शन मॉडल। तो हम आप सीखेंगे इसका माइक्रोवेव के ऑपरेटिंग डेमो। तो ये देखिए, ये इसका पैनल है जहाँ की इस पर हर चीज़ आपको मेंशन नज़र आएगी। यहाँ सबसे पहला बटन है माइक्रो पावर, आप इसे प्रेस करेंगे तो ये पहली बार शो करेगा माइक्रो की 100% पावर। आप पुलाव बनाते हैं, इडली बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, सब्जियाँ बनाते हैं, वो सारी की सारी 100% पावर में बनेगी माइक्रो की 100% पावर में। आप इसी को दोबारा प्रेस करेंगे, ये हो जाएगी माइक्रो की 80% पावर। इस केस में ऐसी आइटम जो आपकी अंडा करी है या फिर आप बना रहे आलू करी है, सोयाबीन करी है, मटर करी है, वो इसमें बनेगी। अगेन प्रेस करेंगे, ये होगी माइक्रो की 60% पावर। इस केस में आप मक्खन से घी निकालते हैं या फिर आप करी वाली आइटम बनाते हैं तो वो बनेगी माइक्रो की 60% पावर में, या फिर आप पनीर बनाते हैं वो भी बन जाएगा। अगेन प्रेस करेंगे, ये होगी माइक्रो की 40% पावर। उस केस में आप अगर मिल्क बॉयल कर रहे हैं या फिर टी बॉयल कर रहे हैं, कॉफ़ी बॉयल कर रहे हैं, तो वो उबले के बाहर ना निकले और वो स्ट्रांग बने, तो वो बनेगी माइक्रो की 40% पावर में। अगेन प्रेस करते हैं तो ये है माइक्रो की 20% पावर। जिस केस में आप कोई भी चीज़ लाइक आइसक्रीम बटर को अगर सॉफ्ट करना चाहते हैं तो वो भी इसमें हो जाएगी। आपने फिर इसमें प्लस का बटन दबा के टाइम देना है और स्टार्ट कर देना है, ये माइक्रोवेव स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। अगेन इसमें दूसरा बटन है, इसे पहली बार प्रेस करेंगे तो ये शो करेगा सी, इट मीन्स कन्वेक्शन। आप डिफ्रोस का बटन है वो दबाइए, और सॉरी प्लस माइनस का बटन है वो दबाइए, इससे इसका टेम्परेचर शो करेगा। पहली बार 160 शो करेगा, आप प्रेस करते रहेंगे प्लस का बटन तो ये 180, 200, 210, फिर 80 डिग्री, यानी कि ये मिनिमम 80 डिग्री से स्टार्ट होगा और जो मैक्सिमम है वो 210 डिग्री जाएगा। आप फिर इसे स्टार्ट का बटन दबाइए, ये प्रीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और प्रीटिंग जब तक चल रही है ये 15 मिनट का टाइम लगेगा, ये स्टार्ट चल पड़ेगा। मैं इसे स्टॉप करता हूँ। मैं इसी को बटन को पहली बार प्रेस करता हूँ कन्वेक्शन था, दोबारा प्रेस करता हूँ तो हो जाएगा माइक्रो कन्वेक्शन कॉम्बिनेशन। अगेन प्रेस करूँगा तो अगेन माइक्रो कन्वेक्शन कॉम्बिनेशन, जिसमें कि आप अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हैं कन्वेक्शन का। अब इसी को अगर 4 बार प्रेस करूँगा तो ये हो जाएगा ग्रिल, जिसमें कि माइक्रोवेव टॉप साइड में जो एलिमेंट होता है, मैं दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ जो ये एलिमेंट लगा हुआ है, ये अंदर देख रहे हैं ये एलिमेंट है, ये ग्रिल का एलिमेंट, वो इस पर ऑन हो जाएगा। और आपने ग्रिल सेलेक्ट करने के बाद डोर क्लोज करा, टाइम दिया प्लस माइनस एक और स्टार्ट कर दिया, ये ग्रिल ऑप्शन ऑन हो गया दोस्तों। इसी के बाद जिसमें दूसरा ऑप्शन है डिफ्रॉस्ट, आप इसको प्रेस करेंगे, ये डिफ्रॉस्ट 1 आ गया और इसमें डिफ्रॉस्ट 2। इसमें डिफ्रॉस्ट के बाद आपने प्लस माइनस का बटन दबाना है, इससे ये वेट सेलेक्ट करेगा इसका और स्टार्ट कर दीजिए, ये टाइम टेम्परेचर लेके स्टार्ट हो जाएगा। ये जो बटन है ये स्टॉप का बटन है, जिससे आप डायरेक्टली स्टार्ट करें और चल रहा है माइक्रोवेव, आप स्टॉप दबाएंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, और अगर आप इंस्टेंट स्टार्ट दबाएंगे तो ये माइक्रो की 100% पावर में 1 मिनट के लिए स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ये जो प्लस माइनस बटन है दोस्तों, अगर आप इसमें टेम्परेचर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप इसे प्लस माइनस बटन दबाएंगे तो ये नंबर सेलेक्ट करेंगे, और ये जो बटन है प्लस का, ये है ऑटो कुक मेन्यू। ये देखिए दोस्तों, ये आ गया ऑटो कुक मेन्यू 1। मैंने इसका डोर खोला जो कि इसे बटन दबाने से खुलता है। ये देखिए दोस्तों, ये इसमें पैनल है जिसमें कि ऑटो कुक मेन्यू लिखे हुए हैं A1, A2, A3, A4, A5। ये देखिए, ये इसमें नंबर लिखे हुए हैं A12 तक। तो मैं यहाँ ये पैनल सेलेक्ट करता हूँ, मैंने पहले लिख रहा ऑटो कुक मेन्यू, फिर इसी को प्रेस करता रहा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये ऑटो कुक मेन्यू 14, 15 तक है, सपोज 15 मिनट लिया, फिर मैंने बस स्टार्ट का बटन दबाया, अब इसमें नंबर आ गया 1, ऑटो कुक मेन्यू नंबर 1 आ गया, फिर मैंने इसे स्टार्ट का बटन दबाया, ये टाइम लेके स्टार्ट हो गया। मैं दोबारा कर सो ऑटो कुक मेन्यू सेलेक्ट करा, मैंने ऑटो कुक मेन्यू 2, देन मैंने प्लस का बटन दबाया, अभी आ गया GB1, देन मैंने प्लस का बटन दबाया, स्टार्ट करा और ये 14 मिनट के लिए स्टार्ट हो गया। तो ये है इसका ऑपरेटिंग दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।